हाय एवरीवन, दिस साइड इज अकेज डॉक्टर जी। पिछले लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर दिया था, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, देन हमने रूट देख लिया था और स्टेम देख लिया था। इस लेक्चर में हम देखने वाले लीफ, देन हम देखने वाले फ्लावर, सीड देखने वाले हम, फैमिलीज हम कल देखने वाले। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर के लिए। और उससे पहले अभी केमिस्ट्री का और फिजिक्स का लेक्चर अपलोड हो चुका होगा, प्लीज़ जाके वो देख लीजिए और सपोर्ट कीजिए। क्या है कि सपोर्ट से हमको मोटिवेशन मिलता है। आप शेयर नहीं कर रहे यार, शेयर करो, शेयर करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा। आप कमेंट्स भी नहीं करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, समझ में आ रहा है? प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। और आपको बायो में व्यूज़ ही नहीं आ रहे यार, प्लीज़ क्या करो कि आप शेयर करो। कोई मेरे से प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, स्पीड ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। बायो में बहुत कम व्यू आ रहे हैं मेरे को, प्लीज़ क्या करिए, शेयर करिए। 90% जो 100% में से जो 90% है ना, वो सब्सक्राइब नहीं कर रही, वीडियो देख रही है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रही। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके, लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट, दैट इज़ अ लीफ। ओके, अब लीफ क्या है मैं कम कर देता हूँ। लीफ क्या है? फ्लैटेड बॉर्न ऑन स्टेम, फ्लैटेड लैटरल बर्ड रहता, जनरेट फ्लैटेड स्टेम स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन स्टेम, दैट इज अ लीफ। ये ध्यान में रखिए। ओके, और ये डेवलप हो जाता नोड में एंड बी अ स्मॉल बर्ड यानी स्टील एग्जाइल। ओके, अब देखते हैं कि जो लीफ है उसके तीन टाइप पड़ते हैं, मीन्स तीन उसमें डिविजन हो जाता। पहला है लीफ बेस, सेकेंड पेटियोल और लैमिना, उसके तीन पार्ट है। अब पहले देखेंगे लीफ बेस। लीफ बेस क्या है? जो टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो उधर ही लीफ बेस पे जो स्मॉल लाइक बर्ड स्ट्रक्चर रहता है उसको स्टिप्यूल बोलते हैं, वो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अब ये स्टेम बेस क्या है? जो स्टेम बेस है, जो सॉरी लीफ बेस है जो स्टेम को और पेट्यूल को कनेक्ट करे, उसको ही लीफ बेस बोलते हैं। अब पेट्यूल क्या है? पेट्यूल स्टेम बेस, दैट इज स्टेम को कनेक्ट करता है लीफ से डायरेक्ट। ओके, और लैमिना, लैमिना तो अपने को मालूम है, दैट इज अ लीफ ब्लेड, ग्रीन रहता है, एक्सपांड कर रहता, उसमें विंग्स एंड वेलेट्स प्रेजेंट रहते। अब देखते हैं पेट्यूल क्या करता, जो कूलिंग का काम करता, जब वाइंड आई तो थोड़ा सा हिलता, इसलिए उसके कारण उसको लीफ को कूल होने में मदद मिलती है। प्लीविंस, प्लीविंस क्या है कि लीफ बेस जो स्वेलन होता थोड़ा सा, उसको ही हम प्लीविंस बोलते हैं, और मेनली लेग्यूमिनस प्लांट में देखा जाता है। ओके, अब देखते हैं वेनेशन। पेट्यूल क्या, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, लीफ और स्टेम के अटैचमेंट को जो होल्ड करता है वही उसको पेट्यूल बोलते हैं। ये भी कुलिंग मोरवाइन में हेल्प, वही मैं बता रहा हूँ। अब देखते हैं वेनेशन। वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेंस एंड वेनलेट्स, जो वेंस रहते हैं जो लीफ में उसके अरेंजमेंट को ही हम वेनेशन बोलते हैं। अब मैं उसमें टू टाइप्स रहते हैं, एक रेटिकुलेट जो मीन्स मीन्स टोटली अरेंज हुई डिफरेंट तरीके से, एक लाइन में नहीं, पैरल में नहीं, ना वट मीन्स टोटली डिफरेंट अरेंजमेंट, किधर का किधर जा रहा है वेन, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, जो पैरलली एज ईच अदर विद द लैमिना, पैरलली है विद लैमिना, उसको ही हम पैरलर वेनेशन बोलते हैं। ओके, मेनली ये क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रेटिकुलेट वेनेशन की, वो क्या है, डाइकोटोलनस प्लांट में डाइकॉट जो प्लांट रहते हैं उसमें देखने को मिलती है, और जो है पैरेलल वेनेशन वो मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलती है। अब देखते हैं उसके लिप्स के टाइप्स। लिप्स के टाइप में दो रहते हैं, एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड। कंपाउंड में भी दो रहते, पाइनलेट कंपाउंड लिप एंड पालमेट कंपाउंड लिप। लिप कैसे रहते? पालमेट मीन्स ये थंब है, देखिए इसको हर एक फिंगर को हम लिप पकड़ेंगे, इसको पूरे मिला के एक ही जगह कटेक्टिव हो रही, उसको बोलते हैं पाल लेट लेटली कंपाउंड लिप। और जो सेकेंड नंबर का मीन्स जिसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन, और जो फर्स्ट नंबर है नीम, उसको पाइन टेली कंपाउंड लिप बोलती है। उसका क्या है, एक ही जो मीन्स ये स्टेम रहती है, अलग 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 जगह से आते हैं, उसको ही पाइनेटली कंपाउंड लिप बोलते हैं। अब देखते हैं उसका एग्जांपल, ये तो हो गया। अब देखते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है? पैटर्नमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ लीफ ऑन अ स्टेम और ब्रांच, ब्रांच में जो अरेंजमेंट होगा लीफ का उसको ही फाइलोटैक्सो टैक्सी बोलते हैं। ओके, उसमें तीन रहते हैं, अल्टरनेट ऑपोजिट एंड रोल रेट होल, उसको ही बोलते हैं। अब क्या है, अल्टरनेट में क्या है कि एक ही जगह पे मीन्स पूरे स्टेम पे एग्जैक्ट समझ लीजिए एग्जैक्ट जैसे होगा वैसे लीफ आ जाते हैं, उसको अल्टरनेट बोलते हैं। ओके, और जो अपोजिट है कि एक ही नोड पे आते हो और एक दूसरे से सेम पोजिशन पे आते, एक उधर भी होगा एक इधर भी होगा। अभी एक पोजिशन समझ लीजिए, ये पूरा स्टेम एक इसी लाइन पे जो आपको पेन दिख रहा है, इधर भी आया और इधर भी आया, दोनों साइड में सेम पोजिशन बी में देख सकते हो, गोवा पेरू के झाड़ पे हम देख सकते हैं उसको, उसके लिए वैसे ही रहती है, समझ में आया क्या? तो अब देखते हैं होल्स। होल्स का क्या है, अल्स्टोनिया एग्जांपल है। ओके, और अपोजिट का कैलास्टोपिस, अल्टरनेट का एग्जांपल है और चाइना रोज। ओके, और मस्टर्ड भी है, सनफ्लावर भी है। अब होल्स में क्या रहते हैं, एक ही जगह बहुत सारे लीव्स इकट्ठा रहते हैं, बहुत सारे दो या तीन कुछ से भी ज़्यादा रहते हैं, उसको बोलते हैं। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। मॉडिफिकेशन क्या है, टेंड्रिल्स है। टेंड्रिल्स क्या है, क्लाइंबिंग में मदद करता है, इसका अपने को मालूम है। ओके, टेंड्रिल्स अपने को मालूम है क्लाइंबिंग में मदद करता है, जस्ट वन मिनट है,
उसका एग्जांपल है पी प्लांट, पी ओके। अब जो स्पाइन है डिफेंस में मैकेनिज्म में हेल्प करती है, उसका एग्जांपल कैक्टस। देन थर्ड है गार्लिक और ओनियन, ये क्या करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं, उसको फ्लेशी फ्लेशी फ्लू रहते हैं, ये हम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, यही मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब देखते हैं द इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, जब फ्लावर मॉडिफाई हो जाता है शूट विद इन द शूट अपिक, अपिकल मेरिस्टेम चेंज होता है, फ्लोरल मेरिस्टेम एटिक आ जाता है, उसमें क्या है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, सिंपली इन्फ्लोरेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ओके। उसमें क्या हो सकता है कि बेसिक इसमें दिया वाला नहीं, सॉरी मैंने स्क्रीन शॉट लेने में प्रॉब्लम कर दिया लगता है। और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर क्या रहता है इन्फ्लोरेंस में, टू टाइप के रहते हैं, एक रेस्मो रहता है और दूसरा साइमस रहता है। रेस्मस में क्या है मेन एक्सिस कंटिन्यूस ग्रोथ हो जाती है और साइमस में और लिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, एक्रोपेटल मैनर में वो ग्रो करता है कोल रेसे मोर एंड साइमस बेसल बेसिपेटल में, ये ध्यान में रखिए, ये नीट में मैं ले पाया नहीं लेकिन ये नीट में आ सकता है ओके। अब देखते हैं आगे, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ बायसेक्सुअल का एग्जांपल अपने को, बायसेक्सुअल क्या है और यूनिसेक्सुअल क्या है। बायसेक्सुअल में क्या है फ्लावर जो कंटेंस करता है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम दोनों को, और यूनिसेक्सुअल उसमें से एक, दोनों में से एक मच कंटेंट करे ओके। फ्लावर के चार मेन पार्ट रहते हैं, उसमें कैलिक्स करोला एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ये ध्यान में रखिए, उसमें से भी कैलिक्स और करोला ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एंड्रोशियम गायनोशियम ये सॉरी कैलिक्स और करोला एक्सेसरी ऑर्गन है और एंड्रोशियम और गायनोशियम ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये ध्यान में रखिए। और अब देखते हैं सिमेट्री कैसी होती है फ्लावर्स की, सिमेट्री क्या है, एक जो हम क्या करते हैं एक तो रेडिकल सिमेट्री होती है और बायलैटरल सिमेट्री होती है। रेडिकल क्या, जो इक्वली अगर आप कर ले एक प्लांट ले उसको कट कर दिया, फ्लावर ले उसको कट कर दिया तो इक्वली डिवाइड हो जाए, उसको हम रेडिकल कहते हैं सिमेट्री, रेडिकल सिमेट्री। बायलैटरल क्या है, उसको हाफ करने के बाद एग्जैक्टली लेफ्ट टू राइट सिमिलर आए, उसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, ध्यान में रखिए। अब देखते हैं आगे, बायोलैट्रिक को सिमेट्री को बोलते हैं झाइगोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक मीन्स रेडियल सिमेट्री। अब एक्टोमॉर्फिक का एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली एंड झाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल है पिया, कुलमोहर, बीन एंड कैसिया। और सिमेट्रिक का भी जो सिमेट्री भी रहती है उसमें क्या है कि जो कुल नॉट डिवाइड इंटू टू इक्वल और सिमिलर हाफ्स, उसको ही बोलते हैं असिमेट्री। अब फ्लावर में भी, अब आगे का पैराग्राफ, फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस हो सकता है ओके। उसमें अगर ब्रैकेट्स प्रेजेंट हुए तो प्राइस मीन्स ब्रैक प्रेजेंट हुएगी तो ब्रैकेट, एंड अगर ब्रैक नहीं प्रेजेंट हुए तो ई ब्रैकेट होता है फ्लावर, ये ध्यान में रखिए। ई मीन्स ब्रैकेट क्या होते हैं, स्मॉल रिड्यूसिंग फ्लावर होते हैं, ध्यान में रखिए। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है कि हो जो सॉरी फ्लावर बोला मैंने, रिड्यूसिंग लीफ रहता है उसको ब्रैकेट बोलते हैं। अब देखते हैं आगे, ऑन द बेसिस ऑफ कैलिक्स करोला एंड एंड्रोशियम एंड ओए, हम पोजिशन ऑफ थैलेमस डिसाइड करते हैं कैसी है, हाइपोथैलेमस से, पेरिथैलेमस से, एपिगाइना से, पेरिगाइना से, एपिगाइना से, ये हम डिसाइड करते हैं। अगर जो ओरी इंक्लोज नहीं होगी पूरी सुपीरियर है तो उसको सुपीरियर ओरी कहेंगे, अगर वो हाफ इज इक्वल सेमी एंड मीन्स गायनोशियम और ओरी समान इक्वल है तो उसको बोलेंगे हम हाफ इंफीरियर ओके, या हाफ सुपीरियर, दोनों में से हम कौन सा लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जो अपने को लगाना है वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आता है जो पूरी जो ओरी कवर हो जाए उसको बोलते हैं एपिगाइनस फ्लावर, दैट इज इंफीरियर ओके। अब उसके एग्जांपल देख लेते हैं, हाइपोगैमस का एग्जांपल में दैट इज अ सुपीरियर और उसका मस्टर्ड और चाइना रोज और ब्रिंजल एग्जांपल है। इसमें क्या है जो मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट है उसमें सिर्फ एग्जांपल ही आएंगे। पेरिगाइनस का एग्जांपल है जिसको हम इंफीरियर हाफ इंफीरियर ओरी बोलते हैं, पल्म, रोज एंड पीच ओके। यूपीगाइनस फ्लावर का एग्जांपल है जो कुकुम्बर रहता है इसका इंफीरियर हम बोलते हैं। उसमें एक सनफ्लावर भी आता है, रे ऑफ अ फ्लावर रेस्ट ऑफ अ सनफ्लावर, सनफ्लावर भी आता। अब पार्ट तो हम देख चुके हैं कैलिक्स करोला क्या होते हैं, फिर से हम देखने वाले पार्ट ऑफ अ फ्लावर, आगे देखते हैं पार्ट ऑफ अ फ्लावर में क्या है। कैलिक्स क्या है कि एक जो फ्लोर मेम्ब्रेन है उसमें जो मेन जो पार्ट है यूनिट है वो सेपल्स रहता है कैलिक्स में, ध्यान में रखिए। और पूरी यूनिट को मिला के अगर सेपल आ गए तो उसको गैमोसेपल्स बोलते हैं, अगर फिर वो फ्यूज हुआ तो, अगर फ्री हुआ तो सेपल उसको पॉलीसेपल्स बोलते हैं, ध्यान में रखिए। प्रोटेक्शियल की प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर करता है कैलिक्स। कोरोला क्या करता है, जो पॉलिनेशन करने का काम करता है ओके, ध्यान में रखिए। अगर कैलिक्स कोरोला का पकड़ ले एक यूनिट तो उसको पेटल बोलते हैं, और पेटल अगर फ्यूज हुआ यूनिटेड हुआ तो सेमोपेटलस, वो आगे देखने वाले सॉरी गैमोपेटलस, सेमोपेटलस बोल दिया मैंने, गैमोपेटलस। और जो फ्री हुआ उसको पेलीपेटलस बोलेंगे। एस्टिवेशन अब देखने वाले, एस्टिवेशन क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स, उसको ही बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन चार प्रकार के होते हैं, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इमिबेट, वेक्सिलरी, दैट्स अ पिपिलानियस ओके, पिपिलानियस। अब देखेंगे आगे,
वेलवेट क्या है, जस्ट टच, जो फ्लोर और सेपल सुपेटल एक दूसरे को टच करे उसको ही बोलते हैं वेलवेट। उसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, ये क्या है, इसके निमोनिक्स बना के मैं दे दूंगा, आप क्या करिए तब लिस्ट, उससे पहले आप अपने आप से अपने आप को आपसे नोट बना लीजिए या फिर शॉर्ट नोट्स बना के अपने दीवार पर चिपका दीजिए, उसके कारण आपको लर्न करने में आसानी होगी। देखते हैं आगे, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड क्या है, ओवरलैप रहते हैं एक दूसरे को, उसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन्स। अब क्या है इम्बिकेट, इम्बिबेट क्या है, इम्बिकेट, इम्बिकेट में क्या रहते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं लेकिन नॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ट्विस्टेड में क्या रहता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते। अब देखते हैं इम्बिकेट के एग्जांपल देखेंगे कि उसके एग्जांपल कैसिया और गुलमोहर है। अब वेक्सिलरी के एग्जांपल देखेंगे, वेक्सिलरी के एग्जांपल है मीन्स वेक्सिलरी क्या करती रहती है, उसमें जो लार्ज रहता है वो स्टैंडर्ड 5 वर्ल पेट्रोल से रहते, डिफरेंटली अलग रहते, ओके उसमें कोई ओवरलैप कुछ कुछ भी नहीं था, एक दूसरे से टोटली डिफरेंट। एक जो सबसे लार्जेस्ट रहता है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो 2 लैटर विंग्स रहते मीन्स पेटल रहते उसको विंग्स बोलते हैं, स्मॉलेस्ट रहता है उसको कील बोलते। इसका एग्जाम्पल है जस्ट वन, इसका एग्जाम्पल दिया वाला नहीं आ रहा उन्होंने दिया वाला, एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा। पी एंड बी से फॉर 5 लार्जेस्ट, इसका एग्जाम्पल पी और बी नहीं। अब आगे देखते हैं, अब एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम में कंपोज ऑफ स्टेमेन रहता, उसमें क्या है स्टेमेन फिलामेंटस टोटल एंथर टोटल रहता उसमें एंड्रोशियम में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है ये अपने को मालूम है, अगर पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस बाय पोलन सैक उसमें ही पोलन सैक तैयार रहता है मीन स्टेम, जो फिलामेंट एंथर रहता है उसमें पोलन सैक रहते हैं अपने को मालूम है, 2 चैम्बर रहते हैं ईच एंथर में, 4 पोलन सैक रहती है, अगर वो स्टेराइल हुआ स्टैमिन तो उसको स्टैमिन नोड बोलते हैं। अब आगे देखेंगे एपिपेटलस और एपिफाइलस में क्या है, एपिपेटलस क्या है कि जो एपिपेटलस है वो स्टेमिन प्लस पेटल है उसको एपिपेटलस बोलते हैं, और जो एपिफाइलस है उसको पेरियंथ प्लस स्टेमिन बोलते हैं, उसको स्टेमिन प्लस पेरियंथ इस नोन है एपिपेटलस। उसका एग्जाम्पल लिली और एपिपेटलस का एग्जाम्पल है, एपिफाइलस का एग्जाम्पल है लिली, एपिपेटलस का एग्जाम्पल है ब्रिंजल, ध्यान में रखिए फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, स्टैमन प्लस पेटल इज नोन एज एपिपेटलस, उसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल, और एपिफाइलस इज इक्वल्स टू पेरियंथ प्लस स्टेमिन, इसका एग्जाम्पल है लिली, ध्यान रखिए। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, मोनोडेफ डेल्फस डायडेल्फस फॉली डेल्फस एंड ये अब देखने वाले उसके एग्जांपल, पॉलीडेल्फस का सॉरी मोनोडेल्फस का एग्जांपल क्या है, स्टेमन जो यूनाइटेड रहते हैं उसका उसको ही मोनोडेल्फस बोलते हैं, ओके उसका एग्जांपल चाइना रोज, डेल्फस का एग्जांपल है अगर जो डबल बंडल में रहते हैं स्टेमन उस, ओके एक और एक मिला के डाय हो जाते हैं उसको डायसेफेलस बोलते हैं, जो डबल रहते हैं स्टेमन उसको ही डायसेफेलस बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है पी, और पॉलीसेफेलस जो मोर देन 2 बंडल्स रहते हैं इसके स्टेमन के उसको ही पॉलीसेफेलस बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है सिटीज, और एक रहेगा लास्ट का पॉली सेफेब सॉरी उसमें एक मिनट इसमें सेल्विया, हाँ मस्टर्ड, ये क्या है सेल्विया और मस्टर्ड एग्जाम्पल दिए, वेरिएशन इन लेंथ एंड फिलामेंटस विद इन द फ्लावर, इसका कोई मीनिंग नहीं है टेंशन मत लो, नेट में आएगा नहीं, नेट में सिर्फ क्या है आपको एपिपेटलस पूछ लेगा क्या होता है, एपिपेटल्स क्या है सेपल प्लस पेटल्स होता है, एपिफाइलस क्या है सेपल प्लस पेरियंथ होता है सॉरी स्टेमिन प्लस पेरियंथ होता है, मोनो डेल्फस और डायडेल्फस पॉलीडेल्फस के एग्जाम्पल पूछ लेगा, ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। और अब देखते हैं पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस क्या रहता है फ्री स्टेमिन रहता है उसको पॉलीएंड्रस बोलते हैं, ओके अब देखते हैं गायनोशियम, अब गायनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता पार्ट रहता फ्लावर का, तो क्या ओवरी कंसिस्ट करता है, ओवरी कंसिस्ट मीन्स कार्पेल मेन पार्टी, कार्पेल क्या करता है ओवरी स्टिग्मा स्टाइल कंसिस्ट करता, स्टिग्मा क्या पोलन गेन के लिए प्लेटफॉर्म होता है मीन्स लैंड होने का, स्टाइल जो लॉन्ग फिलामेंटस सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर वो क्या करती है पोरन ग्रेन को जो मीन्स पेरन ग्रेन जो ट्यूब रहती है वो ग्रो होने में हेल्प करती है और उसको गाइड भी करती है जो ओरी तक पहुँच सके, फिर बाद में लास्ट में ओरी रहता पार्ट अपने को मालूम है प्लेसेंटा करते ओरी बी एस वन वो अटैच टू फ्लैटेड वही प्लेसेंटा रहता है। एपोकार्पस और सिनकार्पस जो लोटस और रोज एग्जांपल है एपोकार्पस के, वो क्या फ्री कार्पेट रहती है उसमें उसको एपोकार्पस बोलती है, अगर वो फ्यूज फॉर्म में रही तो सिनकार्पस बोलते हैं, उसका एग्जांपल है मस्टर्ड और टोमेटो। अब देखते हैं प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन क्या है कि जो अरेंजमेंट ऑफ ओइल विद इन ओरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अब अलग अलग प्रकार के प्लेसेंटेशन होते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है एक में मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, एक्साइल होता है, पैराइटल होता है, फ्री सेंट्रल होता है, बेसल होता है, अलग अलग प्रकार के प्लेसेंटेशन होती है, इसमें सिर्फ अपने को एग्जांपल याद रखना है, ज़्यादा कुछ नेट में पूछेगा सिर्फ हर साल नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जांपल से। अब लिख लीजिए मार्जिनल का एग्जांपल है पी, एक्सहेल का एग्जांपल है चाइना रोज टोमेटो, ओके पैराइटल का एग्जांपल मस्टर्ड और एग्रोमोन, फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल है डायंथस प्राइम रोज प्रीम रोज, बेसल का एग्जाम्पल है सनफ्लावर और मारीगोल्ड। अब देखते वाले हैं फ्रूट, फ्रूट क्या है, एक कैरेक्टर फीचर होता है, कैरेक्टर फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट का फ्रूट, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या रहते हैं, जो फ्रूट रहते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं ओरी में, उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। अब फ्रूट वॉल कंसिस्ट करते, वॉल को ही बोलते हैं पेरिकार्प, ओके
फ्रूट वॉल रहती वो तीन मीन्स पूरी टोटल तीन मेरी डिवाइड रहती, एपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प रहता। मोस्टली जो नारियल कोकोनट उसमें जो मेजोकार्प है वो इंडोकार्प और एपिकार्प इतनी क्लियर नहीं डिफ्रेंशिएट होती, लेकिन मैंगो में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती हो जाती है और उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। और मैंगो और कोकोनट को जो फ्रूट है दोनों को मिला के इज नोन एज अ ड्रूप, ड्रूप बोलते हैं उसमें। और जो मोनोकार्पस सुपीरियर ओरी होती है, जो मोनोकार्पस सुपीरियर ओरी होती है उससे वो डेवलप हो जाता है और वन सीडेड रहता है। अपने को मालूम है मैंगो वन सीडेड रहता है, जब मैंगो वेल डिफ्रेंशिएट रहता है फेरिकार्प का, मैंने आपको ये बता दिया। अब देखते हैं सीड क्या है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप क्या होता है सीड में होता है, अपने को ही मालूम है। अब सीड में क्या है, रेडिकल्स रहते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, कॉटिलेडॉन रहता है एक होगा तो ये डाइकोटिलेडॉन उसका, और एक सिंगल होगा तो मोनोकोटिलेडॉन, ये अपने को मालूम है। डाइकोट के कुछ एग्जाम्पल दिए ग्राम और पिया पी। और अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडॉन सीड, उसमें क्या है, टेस्टा प्रेजेंट होता है जो आउटर कवर होता है स्वीट कोट का, और इनर कवर रहता है वो टेक्स एक मेन का बना रहता है। हैलम भी उसमें क्या रहता है जो प्रेजेंट डाइकोटिलेडॉन सीड में, और माइक्रोपाइल भी प्रेजेंट रहता है। अब क्या है कि जो हैलम है उसके रहता है वो क्या है डेवलपमेंट सीड को अटैच करता है फ्रूट, उसको ही हैलम बोलते हैं। और हैलम एक स्मॉल पोर होता है उसके अबाउ, उसको ही माइक्रोपाइल बोला जाता है। वो हम 12th चैप्टर में मीन्स 12th के सेकेंड चैप्टर में देखने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें टोटल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दिया वाला है उसमें, उसे अपने को पढ़ाना है। अब ये क्या है हैलम उसका, ये आपने को मैंने को मैंने बता दिया। एंडोस्पर्मिक सीड हुआ तो उसका एग्जांपल कास्टर, अगर नहीं हुआ तो उसका एग्जांपल बीन, ग्राम एंड पी। एग्जांपल याद रखिए, नीट में इतना कुछ पूछा जाएगा नहीं, लेकिन आपके लिए जानकारी के लिए आप रखिए, इसके एग्जाम्पल पूछेंगे ज़्यादा कुछ पूछेंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडॉन, इसमें स्ट्रक्चर में क्या है कि एंडोस्पर्मिक रहती है मोनोकोटिलेडॉन सीड ऑर्चिड बट सम एज इन ऑर्चिड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके ध्यान में रखिए, इसमें एक्स्ट्रा चीज जो आउटर जो कवरिंग एंडोस्पर्म की सेपरेट करता है एम्ब्रियो से बाय द प्रोटीनियस लेयर एलो एल्यूरॉन लेयर से, एल्यूरॉन लेयर से। ओके उसमें क्या रहता है जो लेयर रहती है वो डिवाइड करने को हेल्प करती है एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है कि स्क्यूटेलम इसमें प्रेजेंट होता है, इट्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड जो कि कॉटिलेडॉन शेप का होता है। उसमें जो शॉर्ट एक्सेल होती है प्रीमियल और रेडिकल रहती है, उसके अबाव प्लीमल के अबाव जस्ट अबाव क्लिपटायर प्रेजेंट होता है और रेडिकल के नीचे क्लोराइजा प्रेजेंट होता है फॉर द प्रोटेक्शन। ओके वो आपको इसमें दिख जाएगा। और थैंक यू फॉर द टुडे एंड प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ शेयर द चैनल एंड प्लीज़ गाइज लाइक द मीन्स लाइक द बटन लाइक कर दीजिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए, उतना ही सपोर्ट हमारे लिए हो जाएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए नीट वाले बच्चों के लिए, उनके पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। और ये हमारा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।